बबून टॉप, बबून वैली उसकी टॉप है और बहुत ही आउट क्लास वेदर। हम तो जी जमाने और की पजारों में गए हैं। ये जनाब हमारे चाचा जी बड़े मज़े से हमें लेके आए हैं और बड़ी गप्पे भी सुनाई हैं हमें। ये जागरान से इनका ताल्लुक है और ये अपनी पजारों में हमें जनाब लेके आए हैं और सारे रास्ते का हमें बड़े मज़ेदार तारुफ करवाते आए हैं। गाड़ी भी इनकी बड़ी कंफर्टेबल और मजे की चीज। और जनाब ये हमारे दोस्त पीछे चुके, ये दो कराची के बंदर एक अचारे का है। एक ही यहाँ पे और ओरिजिनल बंदर, ओरिजिनल बंदर ये बैठे हो, वीडियो वाला बन गई है। तो जनाब ये हम और बहुत ज्यादा हाइट है, ये जागरण इटसेल्फ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। यहाँ पे ऑक्सीजन का इशू है थोड़ा बहुत, तो लेकिन यहाँ का वेदर और हालांकि अगस्त में एक्चुअली तो ऐसे होता है कि हर जगह वेदर बहुत बुरा हो जाता है कि मोस्टली गर्म वेदर मिलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत शदीद ठंडी हवा है। ये सामने लाइट सी जो आपको वो वाइट डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे कैंपिंग विलेज है, टेंट विलेज है। यहाँ पे लोग आके कैंपिंग भी करते हैं, लेकिन ठंड काफ़ी शदीद होती है, तो अगर किसी का प्लान हो तो ये चीज़ ज़रा सोच के आए। तो यहीं से एक रास्ता अगर आप नीचे से ही जीप लेके आ रहे हैं तो दूसरी तरफ कैरन उतरते हैं। 3 से 4 घंटे की ड्राइव है यहाँ से जीप की, और वापसी पे हम रास्ते की भी वीडियो बनाएंगे इसकी। तो अपनी गाड़ी का एडवेंचर ना किया जाए, बहुत शौक हो जिसको तो जागरा तक आप अपनी गाड़ी पे आ सकते हैं, वो भी वो बंदा जिसे ड्राइव बहुत अच्छी आती हो हिली एरियाज़ की, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट है, बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप्स हैं, तो कहीं पे भी गाड़ी की ब्रेक लग जाए तो उसको दोबारा ज़रा
रनिंग में लाना काफ़ी हिम्मत का काम है। और जागरण से ऊपर बिल्कुल कोशिश ना करें अपनी गाड़ी लाने की। इवन अगर किसी के पास एसयूवी भी है तो अगर उस पर भी ना आया जाए तो बेहतर है, क्योंकि सारा पथरीला रास्ता है तो टायर ब्रस्ट होने का खासा खदशा है। क्योंकि यहाँ पे जो लोकल्स हैं, इन्होंने जो गाड़ियाँ तैयार की हुई हैं, इन्होंने तो टायर्स अपने हिसाब से दूसरे डाले हुए हैं, जो थोड़े हार्ड टायर होते हैं और पत्थर को चुभने नहीं देते हैं आसानी से, तो इसलिए जो है मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अपनी गाड़ी, चाहे वो एसयूवी हो या कुछ भी हो, तो उसका बजाना। ये बादल आप देख सकते हैं, ये क्या आपको नज़र आ रहा है अभी, इसके बारे में मैं अब आपको क्या बता सकता हूँ कि ये क्या व्यू आ रहा है बादलों का। ये जनाब आपको बर्फ़ और ये जानवर भी नज़र आ रहे हैं। तो ये बादलों की आप शेप देख सकते हैं, और 12 से लेके 2 बजे तक के दरमियान यहाँ पे बादल इसी तरह होते हैं कि आप बादलों के बीच में फिर रहे होते हैं, और बारिश का भी काफ़ी ज़्यादा इम्कान होता है यहाँ पे। और जागरण यहाँ पे जब भी आएँ अगर आप लोग, तो अपने अपर्स वगैरह ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि अगर बारिश और बादल वगैरह का सीन हो जाए तो ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मुश्किल हो जाती है ठंड में। तो इसलिए जो है अपने सारा यहाँ पे आने के लिए, और ये बहुत रिकमेंडेड जगह है, लोग तो मोस्टली आते हैं और जनाब वो सड़क के किनारे किनारे भागम भाग चले गए जी, शारदा देख लिया, कैल देख लिया, अड़ंग कैल देख लिया, बहुत खूबसूरत है अड़ंग कैल भी। तो लेकिन ये नई चीज़ है, नया रास्ता, और ये जनाब लोकल जानवर यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रहते हैं इनके हैं, 2-3 महीने यहाँ रहते हैं ये। अच्छा, ये 2-3 महीने रहते हैं फिर नीचे चले जाते हैं। सही। तो बाकी कुछ वीडियो हम कैंप साइट पे पहुंच के बनाते हैं, तो उसके बारे में मजीद भी देखते हैं। बर्फ पे लेट के भी बनानी है नीचे तले गुरान पहुंचो ना वर्कशॉप सारे ताको खली को शहर में खली को बात करो 5-8 मिनट जैसी नहीं टाइम बताओ यदि हम बाबून टॉप पे आ गए हुए हैं। ये आप सारे इसके सनोई पहाड़ जो हैं वो देख रहे हैं, और ये जो साइड में आपको दिखा रहा हूँ ये रास्ता कैरन की तरफ उतरता है, और वो सामने कोई गांव वगैरह है, तो ये रास्ते में आता होगा कैरन के। और ये जो पहाड़ है इसके दूसरी तरफ रत्ती गली लेक है, लेकिन यहाँ से उसका रास्ता नहीं जाता कोई भी, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे थोड़ा इशू है, उसकी वजह से थोड़ा सांस में हल्का फुल्का मसला है। और ये जो है ये बाबून टॉप पे जो टेंट विलेज बना हुआ है, ये जनाब ये सारी जीप्स रुकी हुई हैं। ये सामने आपको एक मंजर देखें, ये चीज़ क्या बात है, लोग आते हैं नीलम वैली घूम के जी नीचे से ही चले गए। ये ठंड और ये खूबसूरती और ये ग्रीनरी कहाँ पे मिलेगी। ये सामने सारी स्नो पड़ी हुई है, तो अभी आपको थोड़ी देर में टेंट भी चेक करवाते हैं दूसरी वीडियो में, और यहाँ के लोगों का बुकिंग वगैरह के लिए कोई नंबर वगैरह भी लेके देते हैं। ये कुछ निशानी आपको दिखाते हैं
जहाँ से पता चलेगा कि जनाब यहाँ पे भी पाकिस्तानी आते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सारा कचरा, ये सारा कचरे का इंतज़ाम है जनाब, कि जहाँ पे आपका जो दिल करता है कचरा फेंक दें। ये सब तरफ कुछ इनका अपना भी फॉल्ट है शायद टेंट वालों का, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी कोई डस्टबिन वगैरह नहीं लगी हुई। तो जज़ाकअल्लाह। अभी जनाब यहाँ बैठते हैं और इनके साथ गपशप करते हैं, वो फिर आपको भी शेयर करते हैं। ये जनाब क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम साहब हैं जो यहाँ के ओनर हैं, आपके हैं ये सारे टेंट? अच्छा, तो ये कौन से महीने से आप यहाँ पे लगा लेते हैं? सर, जून के एंड। अच्छा, जून के एंड से यहाँ पे आप आ जाते हैं, और जून के एंड से लेके किधर तक रहते हैं यहाँ पे? अगस्त, अगस्त में बस अब खत्म कर जाएंगे, एंड पे खत्म, मौसम साफ रहा, मौसम साफ रहा, वैसे अगस्त का महीना होता है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो एक कैंप में कितने लोग रह सकते हैं? सर, इसमें 12 भी हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है, 8 भी करते हैं और 6 भी करते हैं। मतलब वो जितने लोग आ जाएं उनकी वो मर्जी के लिहाज से जो है वो उसमें 12 करते हैं, ठीक है। तो वैसे 6-8 बंदे, तो एक टेंट का कितना आप रेंट लेते हैं? 8,000 रुपया लेते हैं, जिसमें 12 बंदे आते हैं। 12 आए चाहे 2 रहे? नहीं, 2 वाले को मुनासिब होता है, 3,000 होता है। अच्छा, तो वो उसमें साइजेस जो है मुख्तलिफ साइज भी हैं? ये मैट्रिक्स का हिसाब होता है। अच्छा, साइज एक है। अच्छा, लेकिन मैट्रिक्स का साइज सब का एक है, साइज सब का एक है, ठीक है। तो 8,000 रुपए लेते हैं 12 बंदों का, और जो अगर 2 या 3 बंदे फैमिली है, मतलब 2-3 लोग आए उनके लिए मुनासिब होता है 3,000-3,500 इस तरह, मतलब मोहब्बत कर लेते हैं। तो खाने वगैरह का क्या इंतजाम है? खाने का भी सब कुछ मिलता है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद बनाते हैं? मतलब जो ऑर्डर करें, चिकन है, दाल है, ठीक है, तो रोटी वगैरह सारा। और ये सामने मुझे कुछ नजर आ रहा है, ये रात को आग वगैरह जलाने का, ये बाहर बारबेक्यू वगैरह बोन फायर का इंतजाम किया हुआ है। अच्छा, तो अगर कोई यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो ये कैप जरा उतार दें ताकि आपकी शक्ल से लोग अच्छी तरह वागे। कोई नहीं, टेंट थोड़ी सी नजर आने दें, खैर है। हाँ ना, अब चमक पड़ी ना चेहरे से, रौनक पूरी आई है, सही। तो अगर किसी ने आना है यहाँ पे बुकिंग करवानी है तो उसका क्या तरीके का है? हम नीचे कार्ड देते हैं गेस्ट हाउस का, अच्छा, बुकिंग हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो कोई, यहाँ पे तो कोई, अच्छा जी, तो वो आपका अपना है नीचे गेस्ट हाउस? नहीं, बस किसी से रابطہ किया हुआ है ना, कांटेक्ट है। तो क्या नंबर है, अगर आप नंबर कार्ड देता हूँ तो इसमें भी बोल दें कोई, अगर नंबर जुबानी याद है? याद नहीं है, याद नहीं है। चलें, वो गुड़ियाल रेजिडेंसी, अच्छा, लेकिन उनका भी तो नंबर, मतलब नंबर होगा तो किसी के नाम से आप मारेंगे तो आपको सर्च हो, नेट पे सर्च हो जाएगा। अच्छा, ये जनाब हमारे चाचा बदीओ जमान जो हमें जीप पे लेके आए हैं, पजारों पे ना, खूबसूरत पजारों पे। तो चाचा आप जरा अपना नंबर तो बोल दें, किसी ने आना हो तो आपसे रابطہ करके आना हो। मेरा नाम है मुगल बदीओ जमान आजाद, मेरा जो कश्मीर का जो एस काम का नंबर है वो है 0355-688-53-53-940-940। ये आपका नंबर, ये है। आप मेरा नंबर है यहाँ, ठीक है, का कश्मीर का। हाँ, वो एस कॉम वो तो मिल ही जाता है हर जगह से। मेरा नंबर है, अच्छा, 0333-388-9797-064-064। किसी ने मतलब कोई भी इंतजाम करवाना हो तो आपको बता सकता है जी, हमारा कोई होटल करवा दे। जो है इस पे ये कार्ड भी आ चुका है, कार्ड नोट कीजिएगा। चाचा की बात पूरी सुन लेना, फेसबुक व्हाट्सएप पे चलता है सब। अच्छा, आपका उस पे भी है? हाँ, उस पे भी है। उस पे आपको सर्च करना हो तो किस नाम से ढूंढेंगे? बदीओ जमान आजाद, बदीओ जमान आजाद कश्मीर, आजाद बाद लिखेंगे तो वो आ जाएगा फेसबुक पे। फेसबुक पे दूसरा नंबर है मेरा 0300 राउंड है, ये खसूसी मैंने रखा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर के लोगों के लिए। अच्छा, 0300-299-7043-7043 मेरे कांटेक्ट जो है सऊदी अरब, कनाडा। अच्छा, वहाँ से भी आपके मेहमान आते हैं क्या? सऊदी अरब, कनाडा, अमेरिका। अच्छा, अफ्रीका में, मलावी में, लिलांगवे में मेरा बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। बड़ी कंपनी है OGC,
وہ تقریباً برصغیر کے اور خاص کر مسلم لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے. اچھا زبردست. اچھا اسلم مجھے تھوڑا سوری آپ کی میں نے بات روک دی, یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو کھانے کے پیسے وغیرہ ہیں وہ آپ کس طرح کے کیا ریٹ ویٹ ہوتا ہے, مطلب اگر میں نے فرض کرو ایک کلو کڑھائی بنوانی ہے چکن کی. سر ہم جو ادھر ریٹ دیتے ہیں کڑھائی فل کڑھائی کی ایک چکن کی, ٹھیک ہے ہماری ریٹ 2000 روپے ہوتی ہے, لیکن ایک مکمل چکن, مکمل چکن تو اب دو بندے مکمل چکن کیسے کھائیں گے؟ ہم ہاف کڑھائی دیتے ہیں نا. ہاف کڑھائی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ اس میں روٹی وغیرہ الگ ہوتے ہیں؟ روٹی الگ ہوتی ہے. تو اگر دو چار روٹی ہو تو کوئی نہیں, وہ ہو جاتا ہے ایڈجسٹ. ٹھیک ہے, ظاہر ہے 10-12 لوگوں کے لیے تو پھر آٹا لگے گا نا, آٹا لگے گا پھر. ہاں تو اور چائے کے کتنے پیسے ہیں؟ اچھی چائے 80 روپے. تو دودھ کون سا استعمال کرتے ہیں؟ آل پر کا. تو پکوڑے کیوں نہیں بناتے ہیں آپ؟ پکوڑے فورڈ نہیں کر سکتے. کیوں زیادہ ہے؟ کیوں نہیں, ابھی 200 روپے کلو بیسن ہے, اچھا بیسن. 400 روپے کلو آئل ہو گیا ہے, مرچ وغیرہ دیکھیں تو کسی کو اگر وہ تھوڑا سا دے فراز کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ چیز بنائے ہی نہ. نہیں نہیں یار, آپ آپشن رکھیں, آپ نہ روز کے 5 کلو بیچیں. نہیں 2-3 کلو ہم ویسے بھی بناتے تھے. تو پائیا اگر ٹائم نہیں ملا تو پھر بناتے نہیں, لیکن اس طرح دلچسپی نہیں ہے کہ اس کا اخراجات فورڈ نہیں ہوتا. اچھا وہ مہنگا پڑتا ہے. مہنگا پڑتا ہے یار, اب ہم نے کھانا نہیں کھانا, ہم نے چائے اور پکوڑے کھانے ہیں تو ہم کیا کریں؟ بسکٹ کھلائیں گے. اچھا بسکٹ سے گزارا کرنا پڑے گا. چلے اچھا, یہ سامنے آپ کا کچن ہے ایسے ہی؟ اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے. اچھا اندر باہر, ظاہر ہوا چل جائے تو پھر اندر کرنا. تو آپ خود بھی یہیں پہ ہی ظاہر ہوتے ہیں؟ جی میں خود. تو چلے اچھا, یہ جی ان کا کارڈ آ گیا ہے, اس پہ یہ اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے, تو اگر یہاں پہ بابون ٹاپ پہ کسی نے وہ جو ہے کرنا ہو تو یہاں پہ آپ بکنگ کروا کے آ سکتے ہیں, کیونکہ کیمپ تھوڑے ہیں تو اگر کسی کا نائٹ سٹے کا ارادہ ہو تو اس پہ انتظام کر کے مطلب اپنا آئیں. تو میرا خیال ہے یہاں کی کافی انفارمیشن جو ہے وہ آپ لوگ. اچھا تو آپ اپنا نمبر محمد کے سوری. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ چونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے رات میں, تو اس سے بچانے کا کیا انتظام رکھا ہوگا؟ ہم ڈبل ڈبل کمرے دیتے ہیں, جو جتنا چاہے. نیچے میٹرس ہوتا ہے؟ میٹرس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ویڈیو بنا سکتے ہیں؟ ہاں وہ بنائیں گے بالکل, ظاہر ہے. تو انشاءاللہ ہم جو پوری کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اب جو پنجاب سے یا کراچی سے آتا ہے ان کو تو ٹھنڈ شدید لگتی ہے نا, تو ان کے لیے یعنی آپ 2-3 کمبل ومبل. نہیں ابھی ہر بندہ انجوائے کرتا ہے. اچھا سردی کے لیے کمبل میں تھوڑا ہوتا ہے, دبئی کے کمبل. اچھا کمبل وغیرہ کا اچھا انتظام ہوگا, ہم نے ڈبل ڈبل کمبل لیتے ہیں. چلے اچھا ہمیں اپنا کیمپ دکھائیں گے ذرا, تاکہ کیمپ کی جو کوالٹی ہے وہ بھی ہم لوگوں کو دکھا سکیں. چلے جی آپ کو جی کیمپ ان کے وزٹ کرواتے ہیں. یہ جی اس کی آؤٹر شیپ ہو گئی, اچھا یہ جی ان کے کیمپس ہیں. تو یہ واٹر پروف ہوتے ہیں؟ واٹر پروف. یہ واٹر پروف ہے. اچھا یہ اندر سے ہے جناب, یہ میٹرس لگا دیتے ہیں, اس میں دو لوگ بھی رہ سکتے ہیں, تو 2-3-4 لوگوں کے لیے رینٹ اور ہے. اگر 10-12 لوگ رکیں گے تو ان کے لیے رینٹ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ میٹرس کے حساب سے اور انتظام کے حساب سے. یہ والا جو ہے اچھا جی یہ اچھا, اس میں کوئی خاص چیز ہے جو فیملی کے لیے یا ویسے الگ رکھتے ہیں؟ ویسے ہی اس جگہ فیملی کی بنائی. ہاں یہ والے اچھا, ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فیملی کی سیکیورٹی سیفٹی وغیرہ کے لیے. اچھا تو یہاں پہ لائٹ وائٹ کا کیا انتظام ہے؟ سر ہم نے سولر اور بڑی بیٹری رکھی ہے. اچھا سولر ہے, رات کو لائٹ وائٹ جلتی ہے ادھر. ٹھیک ہو گیا. نہیں یہ واقعی اچھے ہیں, ہوا بھی نہیں اندر آ رہی. صحیح صحیح وہ ہمارا کچن اندر. یہ جی ان کا آؤٹ ڈور کچن آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد یہ انہوں نے سلنڈر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں, اور یہ ان کی پوری دکان اور دکانداری, اور یہ انڈور کچن پورا سسٹم بنایا ہوا ہے.
لوگوں کی خدمت کے لیے اور اپنے روزگار کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے ان کے کاروبار میں بھی. لیکن جی میرا خیال کافی انفارمیشن ہو گئی ہے, ویڈیو بھی لمبی ہو گئی ہے, تو ساری ڈیٹیلز آپ کے پاس آ گئی ہیں یہاں پہ. اپنا خیال رکھیے سب, ٹیک کیئر, اللہ حافظ. چھکلی پکوڑے جڑے بڑے پنگ تو کالے جے لباس دی شکینن کڑی دور دور جاوے میرے کالے رنگ تو کالے جے لباس دی شکینن کڑی دور دور جاوے میرے کالے رنگ تو چلاؤ نچنے نال بولی تھک گیا یار, اس ایریا میں اس وہاں پہ رہے. بھائی مہتاب زندہ باد, مہتاب جیت گیا, مہتاب کی ایک سگریٹ پکی بلی بھی ہے. کیا بات ہے, چرتا
ताजा ताजा गुलू ना दे सलोर माला रोड़ा ताजा ताजा गुलू ना दे सलोर Rasha peha vartha kamis tur Mala rauda rasha rasha peha vartha Harkale vayu tata Hey! Munga muri tata ghani khan Dasi sanga ki dushi chi nahi badak Da khar da sakhi yana Harcha baba pato vini muskan Vai muskan che Wasra me na puyi bazan che Khaista me che tumra janan de Tokh kule gulu na pashan de Rasha lela rasha Ali zafaro vita bacha Malangida malangida Pukhtun wali mo da Kali Valda Acha Zar Badar Paseshi Lalap Sur Salu Ke Makka Vana Zuna Kamis Tor Outdoor Outdoor Mala Rauda Taza Taza Guru Nadre Salor Mala Rauda Taza Taza Guru Nadre Salor Mala Rauda Larsha Pekha Varta Kamis Tor Mala Rauda Taza Taza Guru Nadre Salor Mala Rauda Taza Taza Guru Nadre Salor Mala Rauda Larsha Pekha Varta Kamis Tor taza gulu na dresalo mala rauda taza taza gulu na dresalo mala rauda taza taza gulu na dresalo mala rauda feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah.
Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doused, not what I'm about. Have your f***ing clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my f- mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit. I won't give up this, cause I know that I want it. Know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't.